मैं यहाँ पे YouTube के फोल्डर पे आ चुका हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 फोल्डर्स बना रखे हैं, जो कि मैंने YouTube पे वीडियो जो कि डार्क मोड वाली थी वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। बट राइट नाउ आप देखोगे कि यहाँ पे 3 फोल्डर्स हैं। सो इस वेबसाइट वाले के अंदर हम जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने वाले हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आप सिंपली ऊपर आपको यहाँ पर एड्रेस बार में CMD लिखना है, और जैसे आप CMD लिखोगे आपके सामने इस तरीके का जो टर्मिनल है वो आ जाएगा। मैं इसको Ctrl++ कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे npx create -r, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर देना है, डॉट और स्लैश। और जब कभी भी आपको किसी फोल्डर के अंदर सारे अननेसेसरी फाइल्स को इंस्टॉल करना होता है, सिंपली आपको डॉट स्लैश लगा देना है, जितनी भी नेसेसरी फाइल्स हैं वो यहीं पर ही आपकी आ जाएंगी। बट अगर आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के फोल्डर के अंदर आपको एक और फोल्डर के मतलब फोल्डर बनाना है, तो सिंपली आपको टाइप करना होगा npx create -, react -, app, और अपने ऐप का नाम, सपोज माई ऐप अगर आप कर सकना चाहो तो। राइट नाउ मैंने ऑलरेडी वेबसाइट नाम से एक फोल्डर बना लिया है, ठीक है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और आप देखोगे कि ये यहाँ पर जितनी भी डिपेंडेंसीज पैकेजेस को इंस्टॉल करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा, तो हम वेट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक।